अगर आप भी फेमस धारावाहिक उत्तरण के फैन हैं तो आपको टीना दत्ता जरूर याद होंगी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस धारावाहिक में इच्छा का किरदार निभाया था और इस किरदार को काफी ज्यादा दर्शकों ने पसंद भी किया था। रश्मि देसाई ने इस धारावाहिक में अहम भूमिका निभाई थी और साथ ही अपोजिट रोल में इच्छा उर्फ टीना दत्ता नजर आई थी और अब टीना दत्ता का निधन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी उत्तरण धारावाहिक के फैन रह चुके हैं तो ये खबर आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि टीना दत्ता उत्तरण से ही फेमस हुई और लगातार टीना दत्ता को इच्छा के नाम से ही जाना जाता था और अब दर्शकों की पहली पसंद रही इच्छा के निधन की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि टीना दत्ता ज्यादातर अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से जनता के सामने बनी रहती हैं और कई बार फैंस ने उन्हें ट्रोल भी किया है और अब उनके निधन की खबरों ने फैंस को एक सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया है टीना दत्ता के बारे में सोचने का। दरअसल आपको बता दें कि टीना दत्ता कोविड पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद से ही लगातार टीना दत्ता के निधन की खबरें वायरल हो रही थीं। बता दें कि टीना दत्ता बहुत ही जल्द हमें खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भी नजर आ सकती हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि टीना दत्ता ने अभी हाल फिलहाल में ही टीवी इंडस्ट्री में अहम भूमिका निभाने के लिए साइन किया था और इससे पहले वो कोविड पॉजिटिव हो गई, जिसकी वजह से उनके काम को एक बार फिर से ब्रेक लग चुका है और इसी बीच उनके निधन की खबरों ने एक बार फिर से फैंस के दिलों में उनकी एक अलग ही जगह बना दी है। दोस्तों, अगर आप भी टीना दत्ता के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो का बनाने का असली मकसद यही है, अगर आपने भी टीना दत्ता के निधन की खबरों को देखा या सुना है तो इस पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।